कोरोना के दौरान लॉकडाउन की वजह से पूरे प्रदेश देश ही में हर कोई अपने घरों के भीतर कैद है। ऐसे में सड़क पर पुलिस वाले जो मेहनत कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स लगातार काम कर रहे हैं, जो मीडिया कर्मी लगातार काम कर रहे हैं, जो स्वच्छता कर्मी लगातार काम कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, उनके घर वालों के साथ उनका कैसा बिहेवियर है, उनके घर वाले कितने चिंतित हैं, वो लोग क्या कुछ काम कर रहे हैं, इन सारे विषयों की पड़ताल करने के लिए हम सड़क पर उतरे हैं और जगह जगह पहुँच रहे हैं। अभी रायपुर शहर के शंकर नगर चौक पर मैं हूँ और यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं इन पुलिस वालों के बीच पहुँचा हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये पुलिस वाले सब यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। जो लोग हेलमेट नहीं लगाए हैं, जो लोग मास्क नहीं पहने हैं, उन सबको रोक रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, कौन से व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, वो कैसा है, उन सारी चीज़ों को जो है तो दिन भर मिलना है, कौन व्यक्ति संक्रमित है, कौन व्यक्ति संक्रमित नहीं है, उन सारी चीज़ों को दिन भर फॉलो करना पड़ता है। ऐसे में इनके घर वालों के साथ इनका क्या रिएक्शन, इनकी डेली रूटीन क्या, इस पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर एक साहब बैठे हैं, कांता जी, मैं कांता जी के पास आऊँगा। कांता जी, हम एक बात जानना चाहेंगे कि अभी जैसा कोरोना टाइम चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में जब आप घर जाते हैं या जब आप घर से आते हैं तो घर वालों के साथ सामान्य स्थिति पहले जैसी तो नहीं है, अभी क्या कुछ चल रहा है, कैसे रिएक्ट करते हैं घर वाले? हाँ, अभी कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। घर से निकलते समय तो ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता नहीं रहती है, जो नए कपड़े धुले रहते हैं उसको पहन के चले आते हैं। जब ड्यूटी से वापस जाते हैं उसमें बहुत सावधानी बरतने पड़ता है। हम लोग जब घर में जाते हैं तो हमारे सामने बच्चे भी कूदते रहते हैं, उछलते रहते हैं, लेकिन हम लोग चाह के भी उसको उठा नहीं पाते हैं और उनको दूर कर देते हैं। घर वाले भी अब समझ गए हैं पूरे दिनचर्या हम लोगों का कि नज़दीक नहीं आते हैं। जब तक हम लोग हाथ पर न धो ले, कपड़े न उतारे, नहा धो के तैयार नहीं हो जाए, तब तक हमारे पास कोई नहीं आता है। अच्छा, तो पहले जैसी नहीं रही दिनचर्या? हाँ, पहले जैसे नहीं रही, बिल्कुल बदल गया, अलग टाइप के बदल गई हम लोग दिनचर्या, ड्यूटी आते समय और जाते समय। अच्छा, ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारे साथ एक और साहब है। देखिए ये इतने सारे लड़के हैं, ये सब बिना हेलमेट के, बिना मास्क के घूम रहे थे, इनसे लगातार बातें कर रहे हैं, इनके चालान काट रहे हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप जब आप घर जाते हैं तो आप पहले की तरह अपनी बिटिया से मिल पाते हैं, अपने बच्चों से मिल पाते हैं, कैसी है रूटीन आपकी, कैसी है, कितना बदलाव आ गया, क्या कुछ करते हैं घर वाले? क्या है, पहले जैसे है नहीं भैया, बहुत परेशानी है कोरोना कारण से, है ना। हम लोग घर जाते हैं तो पहले तो सबसे सतर्कता बरते हैं, बच्चों लोग अलग रहो भाई, है ना, तो गर्म पानी करवाए रखते हैं, गर्म पानी करके रखना बेटा, हम लोग आ रहे हैं, हाथ पैर धोने के बाद ही अपन अंदर जाते हैं, है ना, अलग से वर्दी निकाल के रख देते हैं। और बच्चे लोग बोलते हैं हमारे पास मत आओ, जब हम फ्रेश हो जाते हैं, नहा धो लेते हैं, उसके बाद अपन साथ में आते हैं। जैसे वो खाना वाना टिफिन लाते हैं आप, है ना, तो टिफिन को भी अलग रख दे रहते हैं, अलग से मांजना भाई इसको, उस बर्तन के साथ मत मांजना करके घर में समझाई देते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब गर्म पानी से नहाना है, हाथ पैर धोना है, तब घर के भीतर जाना है, जी जी जी, अदरवाइज नहीं जाना। चलिए देखिए हमारे साथ कुछ और यहाँ पर कोरोना युद्ध के जो लड़ाके हैं हमारे यहाँ पे साथ में खड़े, देखिए भाई साहब लोग हमारे साथ में, और आप लोग दिन भर गाड़ी में घूमते हैं, आप लोग दिन भर PCR वैन में रहते हैं और लोगों अलग अलग जगहों पर जाते हैं, ऐसे में आप लोग कैसे कैसे लोगों से मिलते हैं, और जब घर जाते हैं तो घर वालों का क्या रिएक्शन होता है, पहले जैसे क्या गुस्सा रह गया? अधिकारी लोग बताएंगे ना, अधिकारी लोग बताएंगे ना हम लोग क्या। अच्छा चलिए ठीक है, ये अधिकारी लोग बताएंगे ऐसा कह रहे हैं, तो हम यहाँ पे चलते हैं। जो हमारे और मित्र हैं जो यहाँ पे चौक चौराहे पे लगातार खड़े रहते हैं, देखिए यहाँ पर राजपूत है हमारे साथ, ये भाई साहब है, मैं आपको लगातार देखता हूँ चौक चौराहों में, आपकी अक्सर ड्यूटी लगी रहती है, कैसा बदलाव आ गया, क्या कुछ बदल गया है इस कोरोना के दौरान, और क्या कुछ नया है अभी जो महसूस कर रहे हैं आप अपने घर वालों से, परिवार वालों से, बच्चों के साथ में? मेरा तो सबसे पहले तो पहले का रूटीन और अभी के रूटीन में बहुत चेंज हो गया है, क्योंकि पहले ऐसा रहता था कि जैसे अपन घर जाते थे बच्चे एकदम मतलब आके लिपट जाते थे, अभी पहले से घर में फ़ोन करके बताना पड़ता कि ड्यूटी से हम लोग घर आ रहे हैं, तो बच्चे लोगों को दूसरे रूम में रखिए आप लोग, और पूरे कपड़े को जैसे कि आंगन बाहर में निकाल के बाथरूम में जाना, और सीधे कपड़े वगैरह को सबको साफ़ करके गर्म पानी से और खुद से नहा के और समथिंग मतलब पूरे डेटॉल से भी अपन लिक्विड से वो करके पूरा, तभी घर में आते हैं। और बच्चे लोग, और सबसे ये है कि मेरी साढ़े छः साल की बेटी है, वो मेरे को बार बार फ़ोन करके वो रोते रहती, बोले पापा आप लोगों की चिंता है, मतलब आप लोग उठता रहते हो, सबके पापा घर में हैं, ऐसे करके मतलब बहुत सारी परेशानी है पहले और अभी और पहले के में। अच्छा, तो मतलब घर वालों के बीच मन में भी पूरा डर भरे रहता है, जिस तरह के रायपुर में बढ़ रहे हैं कोरोना के पेशेंट, उसको लेकर जी क्या है, दूसरे राज्यों में हमारे पुलिस वालों को भी हो गया है, इस कारण से घर वाले न्यूज़ देखते हैं तो उनको हम तो यहाँ ड्यूटी में हैं, हमको तो उतना नहीं, लेकिन घर वालों को हमारे लिए बहुत ज़्यादा फिक्र रहता है घर वालों को। अच्छा अच्छा जी, देखिए ऐसी स्थिति है, जैसे
जो घर वाले हैं तो घर वाले दिन भर घर में बैठे बैठे टीवी पर समाचार देखते रहते हैं। दूसरे राज्यों में जो पुलिस वालों के साथ जिस तरीके से रिएक्शन है, उनको उनको कई सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को लेकर। देखिए यहाँ पर ये हमारे भाई साहब हैं, ये गाड़ी आ रही थी, इस गाड़ी को रुकवाए हैं, अब इनसे जो है तो चेकिंग कर रहे हैं। ऐसे में हम इनके पास पहुँच रहे हैं और इनसे हम बात कर रहे हैं कि क्या है। आप यहाँ पर ड्यूटी पे तैनात है, जब आप घर जाएंगे तो घर में घर वालों का क्या रिएक्शन होगा, कैसे मुलाकात होती है और कैसे दिनचर्या होगी आजकल? दूर से ही बात करना पड़ता है और जाके हम लोग से पहले सैनिटाइज कर लेते हैं, फिर जाके ही प्रवेश करते हैं, तब बच्चे लोगों को छूते हैं। मतलब जो टिफिन उफिन भी लेके आते हैं, आपके जो बेल्ट है, आपके जो कपड़े हैं, आपके जो मोबाइल फ़ोन से, उन सारे सबको सैनिटाइज करते हैं? सैनिटाइज करते हैं डिटॉल से और सैनिटाइज से, सब तभी हम लोग यूज करते हैं। कमलेश कुमार जी, आपके घर में बच्चे भी होंगे, बच्चों के साथ क्या है? बच्चे जैसे जाते हैं तो पहले मिलते हैं, पहले दूर खड़े होकर देखते हैं? दूर खड़े होकर देखते हैं। अच्छा, मन करता है जाते ही साथ बच्चों को पहले गले लगा लूँ? सामने आ जाता है लेकिन हम लोग दूर करवा लेते हैं। ऐसा, चलिए ठीक है। तो ये जो कोरोना का है, कोरोना का जो लॉकडाउन है तो लगातार अभी है, हो सकता है कि इसको 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया जाए। और जैसे देखिए इस चौराहे में हम जहाँ पर हैं, ये काफ़ी व्यस्त चौराहे हैं, लॉकडाउन का समय है, लेकिन जितने मिनट से मैं आपसे जब चर्चा कर रहा हूँ, इस दौरान आपने देखा होगा कि गाड़ियों की संख्या लॉकडाउन जैसे नहीं दिख रही है। सड़क पर जैसे पहले भीड़ रहती थी वैसी भीड़ भले ना हो, लेकिन गाड़ियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लोग जो है तो घरों से ज़्यादा निकल रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको घर में वापस भेजने या व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है तो पुलिस सड़कों पर तैनात है और लोगों को घर वापस भेज रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेलमेट नहीं लगाए हैं, मास्क नहीं लगाए हैं, बाहर घूम रहे हैं, उनको वापस भेजना, उनको रुकवाना, सारी व्यवस्था बना के रखना, इन सारे कामों पे पुलिस लगातार लगी हुई है। देखिए यहाँ पे चौक चौराहे पे वहाँ पर दो और कर्मवीर हैं मेरे साथ, मैं उनके साथ चलूँगा और वहाँ पर जा कर के मैं बात करूँगा कि इन लोगों की ज़िंदगी में क्या कुछ है और इन लोगों के ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है जब ये घर जा रहे हैं और घर में जब अपने घर वालों से मिल रहे हैं तो कैसा रिएक्शन होता है, जब घर से आते हैं तो क्या रिएक्शन होता है, कौन यहाँ पर अकेले रह रहा है, कौन घर में सबके साथ रह रहे हैं, ये सारी बातें हम जानेंगे। आप बताएं, आपसे मैं चर्चा करूँगा कि जब आप घर जाते हो, क्या नाम है आपका? उमेश कुर्रे जी। उमेश कुर्रे जी, जब आप घर जाते हैं तो पहले में और आप में क्या बदलाव है? आप अभी जो है तो कोरोना की वजह से दिन रात ड्यूटी में है, घर वालों के साथ आपका कैसा रिएक्शन है? पहले की जैसे है कि बदला हुआ है? अभी तो बदला, अभी तो जाते हैं तो पहले बाहर में ही हाथ पैर साफ करने बोलता है, उसके वर्दी निकाल देते हैं, उसके बाद दूसरा कपड़ा देते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। अच्छा, अब शादीशुदा है घर में? हाँ, शादीशुदा है। अच्छा, बच्चे भी हैं? बच्चे भी हैं। तो बच्चे जैसे जब घर जाते हैं तो बच्चे जाते दौड़ते हैं लिपटने के लिए, तो उनको पहले रोक के रखते हैं उसको कैसे दूसरे कमरे वगैरह में? हाँ, पूरी बात होता है। क्या होता है बाहर जस्ट हम गेट के पास पहुंचते हैं, उससे पहले रोक लेते हैं हमारे बेटा को। उसके बाद पैर हाथ साफ करते हैं, वर्दी निकालते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। अच्छा, अभी कोरोना जो है जो 2 हफ्ते और बढ़ने वाला है, ऐसे में क्या ये लगातार आदत में आ जाएगा कि आपको लगता है कि बढ़ना चाहिए कोरोना जो लॉकडाउन है, कि अब इसको स्टॉप करना चाहिए? नहीं, बढ़ना चाहिए, अभी तो बढ़ रहा है देखकर। तो इसको बढ़ाना चाहिए ऐसा क्या? चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे साथ एक और मित्र हैं, इनका नाम है पटेल, जे आर पटेल जी हैं। और जे आर पटेल जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए ये गाड़ी जो अभी आ रही थी जिसकी चेकिंग कर रहे हैं, कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जिस गाड़ी को बिना चेक किए जाने दिया जाता है, सभी गाड़ियों की चेकिंग की जाती है, उसके बाद ही गाड़ियों को जाने दिया जाता है। कौन अनावश्यक तौर पर निकल रहा है, कौन आवश्यक काम से जा रहा है, ये सारी चीज़ें। अच्छा पटेल जी, मैं पूछना चाहूँगा, जो ये गाड़ी वाले जाते हैं तो सभी गाड़ी वाले जनरली क्या बताते हैं आपको, किस वजह से बाहर निकले हैं? कई लोग मेडिकल इमरजेंसी वाले रहते हैं और कोई लोग विशेष जैसे कि ड्यूटी लगा हुआ है वो लोग भी जाते हैं, जैसे बैंक वाले हो गया। कल मैं बात कर रहा था एक जगह पर तो उन्होंने कहा कि यार ज़्यादातर लोग जो है ना 5-5, 6-6 महीने पुरानी पर्ची पकड़ लेते हैं और दवाई की सीसी खाली ले लेते हैं, बोलते हैं भैया दवाई लेने जा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे जो जानबूझ के करते हैं घूमने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग रहते हैं मेडिकल में, ज़्यादातर रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा पटेल जी, एक बात मैं पूछना चाह रहा था, जैसे अभी आप कोरोना के दौरान लॉकडाउन जब से चल रहा है तो आप लोग लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, 12-12 घंटे उससे ज़्यादा टाइम तक ड्यूटी करनी पड़ती है, हालाँकि आप लोग की ड्यूटी हमेशा ऐसी रही है, लेकिन इस समय पर जब आप घर जाते हैं और पहले जब आप घर जाते हैं तो क्या बदलाव आया है आपके घर में, आपके रहन सहन में, आपके परिवार के बीच में क्या बदलाव है? देखिए वैसे तो मेरा फैमिली यहाँ नहीं है तो मेरे को तो इसका कोई वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, मैं सिंगल रहता हूँ, यहाँ बैचलर हूँ।
तब तो और ज़्यादा मुश्किल होगी, आपको खाना भी बनाना पड़ता होगा खुद से। हाँ। तो जिनकी जिनके परिवार हैं उनको तो गर्म पानी बना गर्म पानी किया हुआ मिल जाता होगा और सारी चीज़ जो है तो बनी बनाई मिलती है, आप तो खुद करना पड़ता होता। कितनी सतर्कता बरतते हैं आप? अब जैसे कि नॉर्मल जाते हैं तो हाथ पैर धोते हैं उसके बाद ही अंदर जाते हैं रूम के अंदर। तो वो जिन बर्तन से हाथ पैर धोते हैं उनको भी पहले धोते धाते होंगे, बाद में भी धोते धाते होंगे, फिर खाना बनाते समय क्या सतर्कता, सारी बातें मैंने विस्तार से बताया। इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं करता हूँ मैं, हाथ धोता हूँ, हाथ पैर धो लिए नहा लिए उसके बाद खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसा? हाँ। तो मतलब ज़िंदगी में ये है कि साफ़ सफाई स्वच्छता ज़्यादा आ गई है पहले की अपेक्षा, यानी पहले जैसा हम घर में जाते थे और सीधा जाके बैठ गए खाना वाना बनाए हाथों धो के फिर नहाए धोए, वो बदलाव आ गया, पहले नहाते हैं उसके बाद सारे काम कर रहे हैं, शुद्धता स्वच्छता ज़्यादा आ गई। तो चलिए हम यहाँ पर पुलिस वालों से जिनसे बात किया हमने तो इसे एक बात जो है तो ये क्लियर हुई कि आज की तारीख में जो है तो कोरोना की वजह से स्वच्छता बढ़ गई है। हालांकि कई सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जब घर जाते हैं घर में जा कर के बच्चों से मिलना डायरेक्ट नहीं हो पाता है, पहले नहाना पड़ता है, स्वच्छ साफ़ होते हैं, सैनिटाइज़ करना पड़ता है खुद को, गाड़ी को, सारे अपने इक्विपमेंट्स हो, डंडा हो, बेल्ट हो, मोबाइल हो, पर्स हो, टोपी हो, वर्दी हो या जो कपड़े हो, जूते मोजे हर चीज़ को, उसके बाद घर जाते हैं और पहले ऐसा नहीं करते थे। कुल मिलाकर के कहना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं तो लोगों की आदत में आ रही हैं, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, ये लगातार बढ़ते जा रहा, हो सकता है कल प्रधानमंत्री आए उसके बाद ये 2 हफ्तों के लिए और बढ़ जाए। लेकिन इन सारी चीज़ों से एक चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि ये जो कर्मवीर सड़क पर लगातार खड़े रहते हैं, लोगों को रोक रहे हैं, लोगों को बाहर निकलने से रोक रहे हैं, लॉकडाउन लगातार बना रहे, लॉकडाउन पूरी तरीके से प्रभावी रहे, उसको प्रभावशील बनाए रखने के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो काफ़ी मतलब काबिले तारीफ है। लेकिन इसके साथ कोरोना की वजह से जिस तरीके से स्वच्छता लोगों के मन में आई है, लोग जिस तरीके से स्वच्छता को अपना रहे हैं, अब स्वच्छता पूर्वक रहने लगे हैं, घर जाते ही हाथ पैर धोना, सैनिटाइज़ करना, बिल्कुल साबुन वबुन से रगड़ के, गर्म पानी से नहाना, कपड़ों को गर्म पानी में डुबो के रखना, डेटॉल डाल के रखना, डेटॉल से पूरी गाड़ी को, साइकिल को, जो भी इक्विपमेंट्स हैं वाहन हैं उनको धोना, फिर अंदर जाना, खाना पीना बनाना, सारी चीज़ें जो हैं पहले ऐसी नहीं थी, लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी थी, लोगों के पास टाइम था हाथ धोने का। आज की तारीख पर जीवन को बचाए रखने के लिए स्वच्छता अपना रहे हैं और कोरोना इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। हालांकि कोरोना से बहुत सारे लोग मर रहे हैं जिसकी तारीफ नहीं की जा सकती है, लेकिन लोगों के जीवन में बदलाव, स्वच्छता का जो बदलाव है वो लगातार आ रहा है। रायपुर से JK News 24x7 के लिए सुनील सुधाकर पांडे की रिपोर्ट।